गाइस एग्जांपल नंबर थ्री को देखो इस टॉपिक के एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं, बड़ा मजेदार है। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करने वालों तुम्हारे लिए भी ये क्वेश्चन है, बच कर तो जाओगे नहीं आप लोग भी। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन। हमसे कहना क्या चाह रहा है बाबू जी, ये कह रहा है द ओडोमीटर। अच्छा, ओडोमीटर के बारे में मैंने बताया था। ओडोमीटर क्या होता, ये जो कार के अंदर या फिर ये यानी व्हीकल्स जो आपके टू व्हीलर्स होते हैं उनके अंदर जो मीटर लगा हुआ होता है, बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर, जो ये बताता है कि स्पीड कितनी है, तो वो ओडोमीटर होता। ओडोमीटर एवरेज स्पीड को बताता। तो यहाँ से कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। आपकी कोई ट्रिप स्टार्ट होने वाली, लेट अस सपोज कि यहाँ से यहाँ तक जाओगे, एक ट्रिप पर जा रहे हो आप ए से बी तक, तो आपने यहां पर मीटर देखा, तो मीटर के अंदर 2000 किलोमीटर लिखा हुआ है। मीटर के अंदर लिखा हुआ है 2000 किलोमीटर। अब आपने अपनी कार या फिर बाइक, कार है ना, कार भगानी शुरू कर दी इधर की तरफ को। जब कार आपने भगाई और यहां पहुंचे, तब आपने देखा ओडोमीटर के अंदर कितनी रीडिंग आई, तो ओडोमीटर के अंदर आई 2400 रीडिंग। कितनी आ गई, 2400 किलोमीटर। देखो 2000, आपको किसी ने 2000 पे चली हुई गाड़ी दे दी और आपने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और आपने 2400 उसके अंदर रीडिंग पहुंचा दी, तो फिर आपने कितनी चलाई, तो जो आपने चलाई है वो चलाई है 400 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक 400 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर कर ली। ऐसा होने में आपको जो टाइम लगा है वो लगा है 8 घंटे का। तो जो टाइम है वो लगा है आपको 8 घंटे का, 400 किलोमीटर चलने में जो टाइम लगा है वो 8 घंटे का लगा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई एवरेज स्पीड बता दे कार की किलोमीटर पर आर में। तो डिस्टेंस आपको पहले से ही किलोमीटर में दे रखी है, टाइम आपको पहले से ही आर में दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट स्पीड निकाल देनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है 400, टाइम कितना लगा है 8 घंटे, बस काट लो 8×5=40, 5 बार कट गया, 10 बचा था, तो 5 का आ गया, 10 लगा दिया, तो 50। ऊपर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, टाइम जो है वो आर में है, तो किलोमीटर पर आर ये आपके पास स्पीड आ गई। और इसको लिखोगे एवरेज, एवरेज स्पीड कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आर। क्या ये वाली बात समझ में आ गई, बड़ा इजी न्यूमेरिकल था, अच्छे से समझ भी लिया। इसी तरीके से आप सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू सो मच, चलिए मुलाकात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के अंदर। इसके अंदर एक पार्ट और रह गया, वो ध्यान से थोड़ा स्लिप हो गया, कि स्पीड को जो आपको बताना है वो मीटर पर सेकंड में भी बताना है। आपने किलोमीटर पर आवर में तो बता रखी है, तो मीटर पर सेकंड में भी बताना है, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे एवरेज स्पीड, ये कितना निकल गया था 50 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो जब आप 1000/3600 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई ये आ जाती है मीटर पर सेकंड में। देखो कितना हो गया, 200 काटो, 200 काटोगे तो ये 18 हो जाएगा, 200 काटोगे तो ये 25 हो जाएगा, और फिर 200 काटोगे क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 250/18। तो 250 को आप 18 से डिवाइड कर दो, 18 × 18 सब्ट्रैक्ट करने में कितने बचे, 7 बचे, उतार लिया 0, 18×4=72, 18 × 3=54, सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाएंगे, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 निकाले 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 10 बढ़ा दिया, तो 18×8=104, 18×8=104 होते हैं 18×8=80, 54×6 यही हो गए ना, 4 बचा, 8×6=14, 144, हाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल सही आएगा। तो ये आएगा 13.8, कितना आ गया, इस कैलकुलेशन को मिटा दूँ, 13.8। ये डिवाइड वाली कैलकुलेशन तो अब आप लोगों से आती होगी, क्योंकि इसमें तो अब कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपसे आती है डिवाइड वाली कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा 13.8 मीटर पर सेकंड। अब बात चल रही है मीटर पर सेकंड में, तो एवरेज स्पीड आ चुकी है 13.8 मीटर पर सेकंड। होप सो ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी।
अगर आपकी अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को थम्स अप जरूर किया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें उन लोगों के पास, खास करके जो 9th की तैयारी कर रहे हैं जामिया के अलीगढ़ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि उन लोगों से भी ये चीज़ें आनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्द जामिया और अलीगढ़ की भी तैयारी कराई जाएगी अपने इस चैनल पर।